सुप्रभात। आज हम द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। पाठ हमने पहले पढ़ लिया है, तो चलिए आज हम इनके प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। प्रश्न एक है, इसका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है जिसका आप स्वयं प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर दो है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है इनका। प्रश्न क है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। उत्तर है इसका कुंभग्रीवः, कछुए का नाम क्या था, कुंभग्रीव। प्रश्न ख, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए, धीवराहा। उत्तर क्या है इसका, धीवराहा, मछुआरे आए। प्रश्न ग, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो उत्तर है इसका आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। प्रश्न घ, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, गोपाल कहा, ग्वाले। प्रश्न नंबर तीन, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, जो नीचे लिखे हुए ये वाक्य हैं किसने किसके प्रति कहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख रखे हैं, पहला जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, यथा जैसे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। तो यह वाक्य किसने किससे कहा था, हंसों यानी दो हंसों ने कूर्मम प्रति कछुए को कहा था। तो उसी प्रकार से हमें भी इनको हल करना है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला कह है इसमें, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। यह कथन किसने कहा था, कूर्मः कछुए ने हंसों प्रति, दोनों हंसों को कहा था। है इसमें है, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। यह वाक्य किसने कहा था, हंसों दो हंसों ने कूर्मं प्रति कछुए को कहा था। अगला इसमें है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह कथन किसने कहा था, कछुए ने। तो लिखेंगे कूर्मः, किसको कहा था, हंसों प्रति, दोनों हंसों को कहा था। अगला प्रश्न इसमें है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, यह वाक्य किसने कहा, कूर्मः कछुए ने, किसको कहे थे, गोपाल कान प्रति, ग्वालों को कहे थे। अब है अगला प्रश्न चार, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा को देख करके यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में यहाँ शब्द दे रखे हैं, नीचे प्रश्न इसका क, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, इसमें आएगा रिक्त स्थान में उड़ियते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है या उड़ रहा है। ख इसमें है, अहम किंचित अपि न, रिक्त स्थान में आएगा वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगला इसमें है, देखिए ग, यह हित कामानाम सुहर्दाम वाक्यम न अभिनंदति, जो कल्याण के वाक्यों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, यहाँ खालिस्तान में आएगा अभिनंदति। घ इसमें है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव,
रिक्त स्थान में आएगा प्रतिवसति इस्म, एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अड़े है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, रिक्त स्थान में गच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। च इसमें है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, रिक्त स्थान में हम लिख रहे हैं भक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जो ये भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं, प्रश्न क है कछपह कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। उत्तर है इसका कछपह हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान जाना चाहता है। ख इसमें है कछपह कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया। उत्तर होगा इसका कछपह उपायम वदति, कछुए ने उपाय बताया या बोला। युवां काष्ठ दंडम चंचवा धार्यतम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ मध्ये अवलंबे युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर या लकड़ी के डंडे पर लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। अगला इसमें है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पोराः किम् अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। उत्तर है लंबमानं दृष्ट्वा गोपाल कहा एवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले बोले हम हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ियते, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। प्रश्न नंबर घ कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। उत्तर है इसका कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। अगला प्रश्न नंबर 6 घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो इनमें जैसे कहानी की पंक्तियाँ आई थी, कहानी आगे से आगे बढ़ रही है, वैसे ही इनमें से हमें ढूंढ करके उन कहानी की पंक्तियों को एक के नीचे एक लिखना है। तो सबसे पहले इन पंक्तियों में से जो भी कथा के अनुसार पंक्तियां हैं उन्हें हमें व्यवस्थित तरीके से नीचे लिखना है। सबसे पहले इनमें से जो पंक्ति आएगी वो है कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति इस्म। उसके बाद में जो दूसरी पंक्ति इसमें आएगी वो है केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, ये पंक्ति दूसरे नंबर पर आएगी क्योंकि कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए थे। उसके बाद में
तीसरे नंबर पर जो पंक्ति आएगी वो है वयम स्वमतस्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति दिवराः एकथयन्। हम सब कल मछलियों और कछुए आदि को मार देंगे, इस तरह है कछुओं ने मछुआरों ने कहा। तो यहाँ ये आएगी पंक्ति तीन नंबर पर। उसके बाद में है जो पंक्ति आने वाली है, उसके बाद में कथा में क्या हुआ था कि कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, मछुआरों के बात सुनकर के कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था, यही हुआ था कथा में। तो यह है नंबर चार पे आएगी पंक्ति। इसके बाद में जो पंक्ति आने वाली है वो है कूर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ दोनों हंसों के साथ उनकी सहायता से आकाश मार्ग से गया। तो ये आएगी पंक्ति पांच नंबर पर। इसके बाद में जो पंक्ति आएगी वो है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः एधावन्, ये है पंक्ति नंबर छः पर। लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। उसके बाद में है जो पंक्ति आने वाली है घटना क्रमानुसार वो है पौराः एकथयन् वयम पतितः कूर्मं खादिष्यामः, वाले बोले हम सब अगर ये कछुआ नीचे गिर जाए तो खा जाएंगे। तो यह जो नंबर है वो है सात नंबर पर। इसके बाद में जो पंक्ति आने वाली है अंतिम जो बची है, कूर्म है आकाशात पतितः पौरे मारितश्च, और कछुआ आकाश से गिरा और गवालों ने उसे मार दिया। तो ये सबसे अंत में आएगी पंक्ति। इन पंक्तियों को व्यवस्थित तरीके से हमें नीचे लिखना है। प्रश्न नंबर सात है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा को देख करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ एक कहानी दे रखी है, मंजूषा में शब्द हैं जलाशयम अचिंतयत वृद्धः दुखिता कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। कहानी यहाँ से शुरू होती है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक पेड़ की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यहाँ आएगा इसमें से कोटरे, तो यहाँ हम लिख देते हैं कोटरे। एकः सर्पः अपि अवसत, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सर्पः, ये यहाँ से मंजूषा से शब्द लेंगे हम सर्पः। काकानाम शिशून खादती स्म, कौओं की अनुपस्थिति में सांप कौओं के बच्चों को खाता था। काकाहा, यहाँ जो शब्द आएगा रिक्त स्थान में वो है दुखिताहा, तो यहाँ लिखेंगे हम दुखिताहा। आसन, कौवा दुखी हुआ। तेसु एकह, रिक्त स्थान में यहाँ आएगा वृद्धः, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर वृद्धः। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपायम उपाय
अचिंतयत। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अचिंतयत। बताया, उनमें से एक कौवे ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? वृक्षस्य, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम समीपे यानी पास में। जलाशय आसीत, पेड़ के पास में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम जलाशयम। आगच्छति स्म, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, यहाँ हुआ पद आदाय। लेकर एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत, शिला पर स्थित उसके वस्त्र आभूषण लेकर एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिए। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य, यहाँ अंतिम रिक्त स्थान में आएगा वृक्षस्य। समीपम् अगच्छन्, राजसेवक राजा के सेवक कौवे का पीछा करके पेड़ के पास आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, वहाँ उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा है, उपायेन सर्वं सिद्ध्यति, उपाय ही हमेशा सिद्ध होता है, अर्थात उपाय के द्वारा ही सब सिद्ध होता है। केवल ताकतवर होना कुछ नहीं होता, अगर बुद्धि लगा करके उपाय सोचे जाएं तो बड़े से बड़े काम भी हम सिद्ध कर सकते हैं, उस काम में हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।